फटा 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक है। हथियारों की रेस में दौड़ रहा रूस दुनिया को बर्बादी के मुहाने पर ले जाकर खड़ा करने वाला था। हुआ कुछ यूं कि रूस का एक रॉकेट बेकाबू होकर धरती की तरफ गिर गया। इस घटना से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। गनीमत रही कि इसका मलबा धरती के उन जगहों पर गिरा जहां लोग नहीं रहते हैं, वरना तबाही का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था। रूस में रॉकेट के एक हिस्से ने धरती के वातावरण में प्रवेश कर लिया था। इससे किसी तरह की तबाही अब तक नहीं दिखी है। रूस के इस रॉकेट का लॉन्च सफल नहीं रहा था, जिसके बाद ये बेकाबू हो गया। अमेरिकी स्पेस कमांड के मुताबिक रूस के रॉकेट ने वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर लिया। इसके ज्यादातर हिस्से वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ही जल गए थे। अंगारा F5 रॉकेट को 27 दिसंबर 2020 को रूस के प्लासेत्स्क स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया गया था। सरकारी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक लॉन्च के जरिए नए अपर स्टेज रॉकेट का परीक्षण किया गया था, जिसे पर्सीव बूस्टर के तौर पर जाना जाता है। लॉन्चिंग के बाद इसके इंजन फेल हो गए। बुधवार को अमेरिकी स्पेस कमांड ने बताया कि रॉकेट ने पृथ्वी के वातावरण में दोबारा दोपहर 2:08 पर प्रवेश किया था। रॉकेट के मलबे प्रशांत महासागर में गिरे। हालांकि इससे किसी आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के स्पेस डेब्रिस ऑफिस के प्रमुख होल्गर क्रॉग की इस पूरी घटना पर पैन नजर थी। उन्होंने कहा कि रूसी रॉकेट का एक हिस्सा 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 4.7 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से गिर रहा है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि रॉकेट किसी को नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी इसके जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन को मई 2021 में नासा ने इसके लिए फटकार लगाई थी, क्योंकि उसके रॉकेट का मलबा अंतरिक्ष स्टेशन से हिंद महासागर में गिर गया था। तब नासा ने कहा था कि मलबे के जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में चीन विफल रहा है, और अब रूस को भी नासा फटकार लगा सकता है।